हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर की प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो अगर कोई भी चैप्टर्स के आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर केडर प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज़, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ से इस चैप्टर में एवोल्यूशन में से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, या जो ईराज हो गए जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसके अलावा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉपुलेशन बेस पे जो है डार्विन थ्योरी होगी, ठीक है, इसमें से ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है एबायोजेनेसिस मींस, कि एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है। ए का मतलब होता है नोन, ठीक है। बायो मींस लिविंग, यानी कि वो चीज़ जो लिविंग नहीं है, ठीक है। तो एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस, के लाइफ जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है उससे ओरिजिनेट हुई है, इसका मतलब ये है, ठीक है। बायो मतलब लाइफ आना, है ना, लाइफ आना किसके बिना, नॉन लिविंग होने के बिना, ठीक है। तो बी ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड है कि ओरिजिन ऑफ वायरस और माइक्रोब्स, या नन ऑफ एबव। तो एबायोजेनेसिस का सिंपल सा मीन है कि लाइफ ओरिजिनेट होना बिना बिना लाइफ के, मतलब लाइफ नॉन लिविंग सब्सटेंस से ओरिजिनेट होना, वो होती है एबायोजेनेसिस। तो ऑप्शन ए आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है क्वाइजरवेट्स आर, क्वाइजरवेट्स क्या है। क्वाइजरवेट्स जो होते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, जैसे कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं जिसमें ये प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड वगैरह होते हैं, तो इनको इनको मिलाने से जो बड़े मॉलिक्यूल बने उनको हम क्वाइजरवेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाइजरवेट है क्या, प्रोबायोंट्स हैविंग द पॉलीसेक्राइड प्रोटीन और वाटर, या अकेले पॉली प्रोटीन एग्रीगेट है ये, प्रोटीन और लिपिड एग्रीगेट है, या नन ऑफ अबव है। तो जो क्वाइजरवेट होते हैं ये प्रोबायोंट हैं, कौन से, जिसमें के पॉलीसेक्राइड भी हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसके अलावा प्रोटीन है और वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, क्वाइजरवेट बोल देते हैं। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, क्वाइजरवेट्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड। क्वाइजरवेट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली किन के थ्रू प्रोड्यूस करवाए गए थे, कौन से साइंटिस्ट के थ्रू, रियर मिलर, जेकोबो नोट, फिशर हक्सले, और सिडनी फॉक्स और ओपेरिन। तो जो क्वाइजरवेट्स थे ये एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस करवाए गए थे सिडनी फॉक्स और ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन डी आ जानी है। जो अरे मिलर थे, मतलब जो रे और मिलर साइंटिस्ट थे, एस एल मिलर, है ना, इन्होंने तो वो जो ये केमिकल एवोल्यूशन वाली जो थ्योरी थी जिसमें कि ये बताया था कि प्रोटीन और आरएनए वगैरह से जो है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, है ना, तो उसके उसका एक्सपेरिमेंट किया था लेबॉरेटरी में, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सिडनी फॉक्स और ओपेरिन। तो ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन डी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आगे, आइडिया दैट द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ रेफर्ड एज कि जो लाइफ है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल से आई हुई है, मतलब जो पहले से सेल खुद लिविंग होंगे, एग्जिस्ट करे होंगे, उन्हीं से आगे लाइफ आई है। ये थ्योरी जो थी या ये आइडिया जो था, ये किस थ्योरी के साथ रिलेटेड है, हम कौन सी थ्योरी बोलेंगे इसको, बायोजेनेसिस थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी बोलेंगे इसको। तो इसके ऑप्शन ए आ जानी है, बायोजेनेसिस थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि क्या बताया हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो लिविंग होंगे उनसे ही तो लाइफ आई है, तो लिविंग पार्ट से आई है तो उसको बायोजेनेसिस थ्योरी बोलेंगे, अगर नॉन लिविंग से आती है तो उसको हम ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। स्पेशल क्रिएशन का मतलब गॉड ने या सुपर नेचुरल पावर जो है उसने क्रिएट किया है सब कुछ, तो ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी आ गई। तो फिलहाल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के बेस पे बोला है तो ये बायोजेनेसिस थ्योरी है। तो फोर्थ की ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड्स प्रूफ, कि जो मार्सुपियल्स थे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस क्या प्रूव करती है कि ये एग्जिस्ट करते थे, तो ये क्या प्रूव करती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, जियोलॉजिकल पीरियड को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और जियोलॉजिकल पीरियड दोनों को करती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स पाए जाते हैं ये जियोलॉजिकल पीरियड को शो करते हैं, ठीक है, कि एक ही एरिया में कई सारे मार्सुपियल्स अलग अलग मतलब टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्शन, वो जियोलॉजिकल पीरियड है। तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट का मतलब ये दोनों ये चीज़ें जो हैं मार्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हैं, ये इनके एग्जिस्टेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को भी शो करती है, कैसे, कि पहले तो जो
एरियाज़ थे वो अलग अलग थे। बाद में धीरे धीरे करके जैसे जो ऑस्ट्रेलिया वाला और जो अमेरिका का, आई थिंक साउथ अमेरिका का जो पार्ट था, ये ज्वाइन हो गए। तो उससे कुछ ऑर्गेनिज़म्स या मार्सुपियल जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले कॉन्टिनेंट से, पैसिफिक पार्ट से इधर अमेरिका वाले पार्ट में आ गए, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन कम हो गया जिससे मार्सुपियल और सर्वाइव कर गए, है ना। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को भी शो करता है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल पीरियड और कॉन्टिनेंट दोनों को शो करता है, तो ऑप्शन डी आ जानी है, बी और सी दोनों आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ईरा अडॉप्ट एट द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन सा ईरा जो है वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो और माइक्रोब्स को मतलब शो करता है कि ये उस टाइम पे हुआ करते थे। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स कैसे हो गए, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है ना, उसमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है जेनेटिक मटेरियल के आसपास, है ना। तो वो प्रोकैरियोट थे। तो कहते कौन सी एज में थे ये, फेनेरोज़ोइक, प्रोटो प्रोटीरोज़ोइक, प्रीकैम्बेरियन और आर्कियन। तो सिक्स की ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन सी, प्रीकैम्ब्रियन जो है, ठीक है। इस टाइम पे, इस ईरा में जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे वो ज़्यादा पाए जाते थे। तो प्रो सी ऑप्शन आ जानी है, प्रीकैम्ब्रियन। सेवन्थ क्वेश्चन है, सीनोज़ोइक ईरा इज नोन है। सीनोज़ोइक ईरा को हम क्या बोलते हैं, किस चीज़ के बेस पे हम बोलते हैं सीनोज़ोइक ईरा को, क्या कहा जाता है उनके ऑर्गेनिज्म के बेस पे अगर देखें तो। तो एज ऑफ द मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा के जो आजकल आज के पेड़ वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पे आए और मैमल्स उस टाइम पे डिराइव हुए, तो सीनोज़ोइक ईरा को हम ये बोल सकते हैं। एज ऑफ रेप्टाइलिया जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, एज ऑफ एम्फीबियन या लाइकोपोड बोलेंगे कि लाइकोपोडा प्लांट और एम्फीबियन उस टाइम पे ज़्यादा थे, कि मैरीन वर्टिब्रेट्स की एज बोलेंगे उसको। तो जो सीनोज़ोइक ईरा था, ठीक है, सीनोज़ोइक ईरा जैसे हम पढ़ते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड स्केल जो है उस मतलब टाइम स्केल जो है उसमें हम अलग अलग तरह के वो पढ़ते हैं, इपॉक्स होते हैं, इयोन्स होते हैं, है ना, पीरियड्स होते हैं, ईराज होते हैं, उन सभी में जो सीनोज़ोइक ईरा था, इस टाइम में जो ये मैमल्स और मॉडर्न फ्लोरा थे ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसलिए सीनोज़ोइक ईरा को हम एज ऑफ मैमल और मॉडर्न फ्लोरा बोलते हैं। तो सेवन्थ की ऑप्शन ए आ जानी है। एट्थ क्वेश्चन है, ह्यूमन बिलोंग्स टू फैमिली, ह्यूमन की फैमिली कौन सी है, ऑर्डर तो प्राइमेट है, तो फैमिली कौन सी है, होमिनिडे, पोंगिडे और हाइलोबैटिडे और रेमिपथिकस। तो जो ह्यूमन है ये फैमिली होमिनिडे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑर्डर हमारा प्राइमेट आता है और फैमिली है होमिनिडे। तो ऑप्शन आनी है एट्थ की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, कि जो एनिमल्स जो कि एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, रिलेटेड ग्रुप नहीं है वो, अलग हैं, पर उनकी डेवलपमेंट हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक ही टाइम पे एक ही एरिया में। एडेप्टिव कन्वर्जेंस बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन बोलेंगे, एडेप्टिव डाइवर्जेंस बोलेंगे या एडेप्टिव इंडक्शन कहेंगे इसको। इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, एडेप्टिव कन्वर्जेंस बोलेंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो थे उनके एंसेस्टर अगर अलग अलग हों, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के या एनिमल्स के एंसेस्टर अलग अलग हों, अलग अलग ग्रुप से वो बिलोंग करते हों, पर उनकी जो मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको वो अडेप्ट करके उनका फंक्शन एक जैसा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कौन सी, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। तो नाइन्थ की ऑप्शन ए आ गई। टेंथ को, एवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ईरा स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज, के जो स्पीशीज हैं किसी एक ही एरिया में स्पीशीज थी, अलग अलग स्पीशीज में एवोल्यूशन हुई और वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में फैल गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन के डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। तो टेंथ की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, एडेप्टिव रेडिएशन। एवोल्यूशन इन विच द एनिमल्स ऑफ द टू डिफरेंट जीन इकोलॉजी शो टू मच सिमिलैरिटी विद ईच अदर, ठीक है, कि एवोल्यूशन जिसमें के जो एनिमल्स हैं वो दो अलग अलग जीन्स से बिलोंग करती हैं, दो एनिमल्स के जीन्स अलग अलग हैं पर उनमें सिमिलैरिटी फिर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है एक दूसरे के साथ, तो इस एडेप्शन को हम क्या कहेंगे। देखो इसमें क्या है, ओरिजिन अलग है बट उनका फंक्शन सेम है, उनमें सिमिलैरिटी आ गई है, तो वो पैरलर एवोल्यूशन हुई, रेट्रोग्रेसिव हुई, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुई, कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का बेस ही यही होता है के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो अलग हैं पर उनकी जो फंक्शनिंग है टाइम के साथ साथ वो एक जैसी है, सिमिलैरिटी है उसमें।
तो ऑप्शन डी 11th की। 12th क्वेश्चन है, रेडिएशन विद द सक्सेसफुल एडेप्शन इन द कोर्स ऑफ इंसेक्ट इज रिजल्ट ड्यू टू, रिजल्ट ऑफ के जो इंसेक्ट के केस में जो एडेप्शन सक्सेसफुल एडेप्शन हुई है तो वो किस बेस पे हुई है, जेनेटिक डाइवर्जेंस के बेस पे, माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन के, मेगा एवोल्यूशन के बेस पे। तो इसमें ऑप्शन सी मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, मैक्रो एवोल्यूशन में क्या होता है कि जब जो मतलब कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसमें पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में जो एवोल्यूशन अगर आती है एक बड़े स्केल पे, ठीक है, तो वो मैक्रो एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो एडेप्शन के बेस पे सारे इंसेक्ट में आई हैं, ये मैक्रो एवोल्यूशन में आता है। 12th क्वेश्चन है, रेडिएशन विद द सक्सेसफुल एडेप्शन इन केस ऑफ इंसेक्ट इज रिजल्ट ऑफ, कि इंसेक्ट केस में जो एडेप्शन आई है, सक्सेसफुल एडेप्शन आई है, वो किस बेस पे है, किस रिजल्ट पे है, जेनेटिक डाइवर्जेंस के कारण, माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन के, मेगा एवोल्यूशन के बेस पे। तो इंसेक्ट के केस में जो एडेप्शन आई है वो मैक्रो एवोल्यूशन की वजह से आई है। ऑप्शन इसके आ जानिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, क्रो मैग्नन मैन वॉज, जो क्रो मैग्नन मैन थे, हम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक आता है, तो उसमें कहते हैं क्रो मैग्नन मैन जो हैं वो क्या थे, हर्बीवोरस थे, फंगीवोरस थे, सेगीवोरस थे, सेंगीवोरस थे, ठीक है, या कार्निवोरस थे। तो जो क्रो मैग्नन मैन थे ये कार्निवोरस थे, ठीक है, कार्निवोरस कहा जाता है इनको, क्योंकि कि जो ये इनके फॉसिल से ये पता चलता है कि बोन्स वगैरह जो थी, कार्निवोरस जो थे वो एनिमल्स को मारते थे, फिर उनकी बोन्स वगैरह से वेपन या टूल वगैरह बनाते थे अपने लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, एवोल्यूशन ऑफ अ मैन टुक प्लेस इन, कि जो मैन की एवोल्यूशन है, ठीक है, जो मैन की एवोल्यूशन है वो कहाँ पर आई है, ये किस बेस पर आई है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो मैन में एवोल्यूशन आई है सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है, तो 14th की ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन ए, अफ्रीका में पहले अलग तरह के पाए जाते थे, मतलब जो एक लाइक थे वो पाए जाते थे, तो धीरे धीरे से वहीं से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई और आगे जो जो ये एप से आगे डेवलपमेंट होके, एवोल्यूशन होके जो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन आए हैं वो यहाँ से आए हैं, ठीक है, साउथ सेंट्रल अफ्रीका आएगी ऑप्शन ए। रीसेंट एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न मैन वर, के आज के जो मॉडर्न मैन हैं उनके जो एंसेस्टर हैं, रीसेंट एंसेस्टर बोले हुए हैं, वो कौन से हैं, जावा एप मैन और पैकिंग मैन और रोडेशियन मैन, रोडेशियन मैन और क्रो मैग्नन मैन, और 4th ऑप्शन है क्रो मैग्नन मैन और निंडरथल मैन, ठीक है। तो जो मॉडर्न मैन के रीसेंट एंसेस्टर हैं, रीसेंट वाले जो एंसेस्टर हैं वो है क्रो मैग्नन मैन और निंडरथल मैन, ठीक है। तो ये पैकिंग मैन जो थे ये पहले पाए जाते थे, इससे भी पहले पाए जाते थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, मॉडर्न मैन इवॉल्व्ड कब मॉडर्न मैन आए, आज से 10,000 साल पहले, 25,000 साल पहले, 250,000 ईयर्स पहले, 5,00,000 ईयर्स पहले। मैन इवॉल्व्ड कब हुआ था, अराउंड 5,00,000 ईयर्स एगो। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब वेरी अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग बताया हुआ है, मतलब अराउंड 5,000,000 ईयर एगो तो मॉडर्न मैन इवॉल्व हुए थे, ठीक है, तो हम इसके डी ऑप्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, होमो इरेक्टस इज जोलॉजिकल नेम ऑफ, होमो इरेक्टस किसका जोलॉजिकल नेम है, क्रो मैग्नन मैन का, पैकिंग मैन का, नट क्रैकर मैन का, कि निंडरथल मैन का। तो जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, ये पैकिंग मैन को कहा जाता है, ठीक है, जो पैकिंग मैन है इसको, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होमो इरेक्टस रखा गया है। तो ऑप्शन आगे ऑप्शन बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैन एंड एप वॉज, कि जो मैन और एप में कनेक्टिंग लिंक है वो कौन, किसको माना जाता है, ड्रायोप्थिकस को, ऑस्ट्रेलोपथिकस, होमो हैबिलिस या रामाप्थीशियस, किसको कहा जाता है। तो 18th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिमिटिव मैन लिव्ड ऑन अर्थ एट द एंड ऑफ प्लिस्टोसीन ईरा, विच प्रिमिटिव मैन लिव्ड ऑन द अर्थ, कि कौन सा प्रिमिटिव मैन अर्थ पे प्लिस्टो
सीन ईरा में रहा करता था, प्लिस्टोसीन एरिया ईरा के एंड में जो प्रिमिटिव मैन थे सबसे पहले वो अर्थ पे रहते थे, तो वो कौन से थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जिनजेंथ्रोपस है, निंडरथल मैन है, कि एटलांटिक मैन होते हैं ये, मतलब थे जो पाए गए थे। तो जो निंडरथल मैन थे ये पहले पाए जाते थे जब प्लिस्टोसीन ईरा जो ख़त्म हुआ था। तो ऑप्शन सी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ईरा, कौन सा अर्लीस्ट ईरा था? सीनोजॉइक, मेसोजॉइक ईरा, पैलियोजॉइक ईरा, के प्री कैम्ब्रियन ईरा? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, प्री कैम्ब्रियन ईरा जो था ये अर्लीस्ट ईरा था, ठीक है। तो जो पैलियोजॉइक ईरा की बिगनिंग है उसको प्री कैम्ब्रियन ईरा कहा जाता है, ये अराउंड 4.5 मिलियन ईयर एगो ये जो था ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, प्री कैम्ब्रियन। फिर है कि सम पेयर्स ऑफ द करैक्टर्स आर लिस्टेड बिलो, इसमें से जो करैक्टर्स हैं कहते हैं उसमें से होमोलोगस पेयर बताने हैं। अभी होमोलोगस पेयर कौन से होते हैं? जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन हैं, एंसेस्टर जो हैं, ठीक है, वो कॉमन पाए जाते हैं, पर उन जो इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स इनके सेम हैं पर फंक्शन इनके क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर। तो फोर लिंब ऑफ डॉग और गर्ल्स ये होमोलोगस हैं, विंग्स और बैट के जो इंसेक्ट और बैट के जो विंग्स हैं वो होमोलोगस हैं, जो बर्ड्स और फिश के फिन्स हैं, बर्ड्स के फैदर और फिश के फिन्स ये होमोलोगस हैं, या जो वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड हैं उनके जो लेंसेज होते हैं आइज के वो होमोलोगस पेयर में आते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है, कि जो ये गर्ल्स हैं, है ना, गर्ल्स एव्स में आते हैं, सीगल्स एव्स में हैं, बर्ड्स में हैं, तो इनके विंग्स जो थे वो बन गए, होम जो ये फोर लिम्ब थे वो विंग्स में चेंज हो गए एवोल्यूशन की वजह से, तो ये फ्लाई करने में इनकी हेल्प करते हैं, जबकि जो डॉग होते हैं डॉग के फोर लिम्ब उसको रन करने में हेल्प करते हैं। तो है तो दोनों के जो फोर लिम्ब होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है पर इनके फंक्शन अलग अलग हैं, तो ये होमोलोगस पेयर हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ द पिजन एंड मस्किटो एंड बैट शो, कि विंग्स मस्किटो और बैट के जो ये होते हैं विंग्स होते हैं ये क्या शो करते हैं? एटविज्म, म्यूटेशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, के कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं ये? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। कन्वर्जेंट को कैसे शो करते हैं? कि इसमें तो फंक्शन जो हैं इन सभी के, पिजन के विंग्स हो गए, मस्किटो के, बैट के विंग्स, इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, उड़ने में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ये किसके बेस पे हुई? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बेस पे हुई, तो ऑप्शन डी आ जाएगी। फिर 23rd क्वेश्चन है, अर्लीस्ट रेप्टाइल इवॉल्व इन पीरियड, जो पहले के रेप्टाइल है, जो अर्लीस्ट रेप्टाइल थे वो कौन से पीरियड में आए थे? ऑर्डोविशियन पीरियड और सिलेरियन पीरियड, डेवोनियन या कार्बोनीफेरस है इसका? तो 23rd की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, कि जो कार्बोनीफेरस पीरियड है उसमें अर्लीस्ट रेप्टाइल जो थे वो आए थे, ठीक है। तो जैसे कि कार्बोनीफेरस पीरियड है, है ना, ये 360 से 285 मिलियन ईयर एगो ये टाइम पीरियड था, ठीक है, और पैलियोज़ोइक ईरा में ये पाया जाता था, ठीक है। तो इसमें अर्लीस्ट रेप्टाइल वगैरह कौन से थे? जैसे कि लिजर्ड वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये उस टाइम पे आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसकी आ जानी है ऑप्शन डी, कार्बोनीफेरस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन, मैन इवॉल्व इन, कि मैन कब इवॉल्व हुए हैं? तो ट्रायसिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, परमियन पीरियड में या पिलोसीन पीरियड में? तो जो मैन है ये इवॉल्व हुआ है पिलोसीन पीरियड में, ठीक है। पीरियड कौन है, कौन सा है? पिलोसीन पीरियड है। एस्ट्रल एम्फीबियन वर टेट्रापोड दैट इवॉल्व ड्यूरिंग, के जो पहले एम्फीबियंस थे, मतलब एंसेस्ट्रल एम्फीबियन जो थे, कहते वो टेट्रापोड थे, ठीक है। टेट्रा मतलब फोर, चार मतलब टांगों पे चलते थे वो, उनके फोर लिम्स भी उस टाइम पे उनको चलने में हेल्प करते थे, ठीक है, जैसे लॉइन वगैरह के हैं। तो कहते दैट इवॉल्व ड्यूरिंग, ये कौन से टाइम में इवॉल्व हुए? जुरासिक पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में, के कार्बोनीफेरस पीरियड में? तो ये जो एंसेस्ट्रल एम्फीबियन थे ये डेवोनियन पीरियड जो था
उसमें डिराइव हुए थे, उसमें पाए गए थे, ठीक है। तो सालमेंडर वगैरह जो हैं ये एम्फीबियन हैं, तो सालमेंडर वगैरह के फॉसिल्स जो थे उनके मिलने से पता चला था कि ये टेट्रापोड थे, क्योंकि वो फोर मतलब चार पैरों पे चलते थे, ठीक है, लॉन्ग टेल जैसा उनका स्ट्रक्चर होता था। तो इसकी ऑप्शन ऑप्शन सी है, डेबोनियन पीरियड में ये रेप्टाइल्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, के आर्कियोप्टेरिक्स एक ट्रांजिशनल फॉसिल है, ठीक है, किनके बीच का मतलब लिंक किन के बिटवीन है, ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स का को लिंक माना जाता है, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स में बर्ड्स और रेप्टाइल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स थे। तो कहते कि ये कौन से टाइम पीरियड से ये डिस्कवर हुआ है, जुरासिक, आर्किनोजॉइक, क्रिटेशियस टाइम पीरियड या ट्राइसिक। तो ये डिराइव हुआ था जुरासिक पीरियड में, ठीक है, मतलब पता चला था, डिस्कवर हुआ है जुरासिक पीरियड के उसके दौरान, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स है ये, तो ऑप्शन ए आनी है 26 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, सिमिलैरिटी डेवलप्ड इन द डिस्टिंक्टली रिलेटेड ग्रुप्स एज एन एडेप्शन टू द सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज, के कहते जो अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है, पर ग्रुप अलग अलग हैं, एडेप्शन के बेस पे उनके फंक्शन सेम हैं, तो फिर से क्या आएगा इसका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, कनेक्टिंग लिंक है, मिसिंग लिंक है, कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है ये। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, क्यों, फंक्शन सेम है पर जो एंसेस्टर हैं वो अलग हैं, बिलोंग अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनसे करते हैं, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आएगा 27 की ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन है नेक्स्ट, फर्स्ट मैमल्स अपीयर्ड इन द पीरियड, जो फर्स्ट मैमल थे वो कौन से टाइम पीरियड में आए थे, ट्रायसिक में, जुरासिक में, ठीक है, क्रिटेशियस में आए थे, या ये टर्शरी टाइम पीरियड में आए थे। तो जो इस ये आए थे ट्रायसिक टाइम पीरियड में, ठीक है, ट्रायसिक टाइम पीरियड में। तो इनमें जो मीज़ोज़ोइक ईरा का फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, मीज़ोज़ोइक ईरा का फर्स्ट पीरियड जो है उसमें ये पाए गए थे, इसमें डायनासोर वगैरह जो थे वो फर्स्ट मैमल के तौर पे आए थे, ठीक है, 250 मिलियन ईयर एगो। तो ट्रायसिक टाइम पीरियड आएगा। फिर है 29th क्वेश्चन, के विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लार्जली एसोसिएटेड विद द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें कि डायनासोर जो थे वो डिसअपियर हो गए थे, ठीक है, और एक्सटिंक्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, एंड इंक्रीज द फ्लावरिंग प्लांट एंड रेप्टाइल्स, और उस टाइम में रेप्टाइल्स और फ्लावरिंग प्लांट बढ़ गए थे, डेवलप हो गए थे अच्छी तरह से। जुरासिक टाइम पीरियड, ट्रायसिक, क्रिटेशियस और परमियन टाइम पीरियड आएगा इसका। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, क्रिटेशियस टाइम पीरियड जो है उस टाइम में जो पहले तो मैरीन लाइफ वगैरह जो थी वो भी एक्सटिंक्ट हो गई थी, इसमें मैरीन ऑर्गेनिज्म काफ़ी हद तक एक्सटिंक्ट हो गए थे, कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स भी एक्सटिंक्ट हो गए थे, और ज़्यादातर ये जो प्लांट्स थे और रेप्टाइल्स थे ये इवॉल्व होने शुरू हो गए, ठीक है, तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द बर्ड अ ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, के बर्ड को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल किसने कहा था, हक्सले ने, रोमर ने, मेंडल ने, के रॉबर्ट हुक ने। तो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल कहा था बर्ड्स को हक्सले ने, उसने बताया था कि जो बर्ड्स हैं ये रेप्टाइल से ही आगे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, कि रेप्टाइल की मॉडिफिकेशन हुई है, एवोल्यूशन हुआ है, तो बर्ड्स बने हैं, तो हक्सले ने कहा था। 30th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। 31st क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ, के जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ये किसकी एब्सेंस में ऑपरेट होता है, मतलब कब चलता है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो एलील हैं, जीन्स में जो एलील होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, उनमें चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट रहती हैं, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट होते हैं, इस वजह से इसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं किसकी एब्सेंस में ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन या ऑल ऑफ दीज आएगा। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑल ऑफ दीज, कि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होएगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होएगी, म्यूटेशन नहीं होएगी, तो जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है यानी कि जो एलील हैं वो बिना चेंज हुए कांस्टेंट ही रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन। तो ऑप्शन आनी है 31st की ऑप्शन डी। 32nd क्वेश्चन है, फर्स्ट एनिमल टू फ्लाई वर, कि कौन सा एनिमल था जो सबसे पहले फ्लाई किया था, मतलब जो जिसमें विंग्स डेवलप हुए थे और वो फ्लाइट के लिए उसको यूज़ करता, तो फर्स्ट एनिमल ऐसा कौन सा था, मैमल, लिजर्ड, बर्ड्स या इंसेक्ट्स थे। तो इंसेक्ट सबसे पहले ऐसे एनिमल थे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने फ्लाई करना शुरू किया था, उड़ना शुरू किया था, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ गई। नेक्स्ट है, इन विच ईरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेटेड, कौन से ईरा में जो रेप्टाइल्स थे वो डोमिनेटेड थे, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, सीनोजॉइक ईरा में,
ठीक है, सीनोजोइक ईरा में पाए जाते थे, मीजोजोइक ईरा में, पैलियोजोइक ईरा में, के आर्कियोजोइक ईरा में पाए जाते थे। तो जो रेप्टाइल्स थे वो सबसे ज़्यादा पाए जाते थे मीजोजोइक ईरा में, ठीक है। तो 33rd की जो ऑप्शन आनी है, ऑप्शन बी, मीजोजोइक ईरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस एज इवॉल्व इन, होमोसेपियंस कब इवॉल्व हुए थे, प्लीस्टोसीन में, प्लीस्टोसीन में, ऑलिगोसीन में, के मायोसीन में, मतलब ये इवॉल्व हुए थे। तो ये इवॉल्व हुए थे प्लिस्टोसीन टाइम, प्लिस्टोसीन में, ठीक है। होमोसेपियंस कब इवॉल्व हुए थे, प्लिस्टोसीन, ऑप्शन बी इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द बिग बैंग हाइपोथेसिस। तो जो बिग बैंग हाइपोथेसिस थी ये किन्होंने हमें बताई थी, चार्ल्स डार्विन ने, जी लेमेट्रे ने, और एस मिलर, और एस प्रूसिनर। तो इसके ऑप्शन आने, ऑप्शन बी, जी लेमेट्रे जो थे इन्होंने हमें बिग बैंग हाइपोथेसिस का बताया था, ठीक है। ये प्रीस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और फिजिक्स के ये प्रोफेसर भी थे। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया था कि जो मतलब एक सिंगल पार्टिकल, जो लार्ज पार्टिकल है, उसकी जो ब्लास्ट की वजह से उसमें से कई सारे जो ये छोटे छोटे टुकड़े निकले, पार्टिकल्स और डिराइव हुए, तो उससे ये आगे प्लैनेट वगैरह बना है, ठीक है, बनी है। तो बिग बैंग हाइपोथेसिस बताई थी जी लेमेट्री ने। तो 35th की ऑप्शन आनी है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन, यूनिवर्स ओरिजिनेट अबाउट डैश ईयर अगो। यूनिवर्स कब ओरिजिनेट हुआ, 15 मिलियन, 20 मिलियन ईयर पहले, 4.5 बिलियन ईयर अगो, या 3.4 मिलियन बिलियन ईयर अगो। ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट है 36th की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन द ओरिजन ऑफ लाइफ एंड देन सेटल्ड इन इंडिया वॉज, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो जिन्होंने ओरिजन ऑफ लाइफ के बारे में हमें बताया था कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है, इस पर काम किया कि नॉन लिविंग चीज़ों से हुई थी, केमिकल से, और बाद में इंडिया में सेटल हो गए। एल पाश्चर, रे ओपरिन, या हेल्डेन। तो इसके ऑप्शन आनी है, ऑप्शन डी, हेल्डेन, ठीक है। इन्होंने ही, हेल्डेन और ओपरिन ने मिलकर ही फिर थ्योरी दी थी ये, है ना। तो ये साइंटिस्ट थे, ये उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आके इन्होंने रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन डी आएगी, हेल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रेजेंट इन प्रिमेटिव अर्थ, क्या प्रेजेंट होते थे प्रिमेटिव अर्थ पे, अमोनिया और हीलियम थी गैसेस, जुनाइल वाटर वेपर थे, ऑक्सीजन थी, कि हाइड्रोजन और मिथेन थे। तो हाइड्रोजन और मिथेन थे प्रिमिटिव अर्थ पे, जब अर्थ बनी तो पहले पहले वाली अर्थ में पे हाइड्रोजन और मिथेन पाए जाते थे, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी, एटमॉस्फेयर प्रॉपर नहीं बना था, तो ये हाइड्रोजन और मिथेन जो थे इन्हीं से आगे जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह की कंडेंसेशन हुई थी, ठीक है, फिर आगे लाइफ ओरिजिनेट हुई है धीरे धीरे करके। तो ऑप्शन डी है, हाइड्रोजन और मिथेन। 39th क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द ओरिजन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजन में, लाइफ के बनने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, के नाइट्रोजन है। तो इसकी ऑप्शन आनी है, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये इम्पॉर्टेंट है जिससे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि जैसे साइनोबैक्टीरिया पाए गए, ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक थे, उन्होंने ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनानी शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ऑक्सीजन को बढ़ाया, ठीक है। तो ये लाइफ के ओरिजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, तो ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन एज ऑफ द डायनासोर्स वॉज ड्यूरिंग, कि डायनासोर की गोल्डन एज किसको कहा जाता है, मतलब कौन से टाइम पीरियड पे में डायनासोर्स ज़्यादा पाए जाते थे, सीनोजोइक ईरा में, या क्वाइनोजोइक ईरा बोल सकते हैं, पैलोजोइक ईरा है, आर्कियोजोइक ईरा है, और मीजोजोइक ईरा है। तो मीजोजोइक ईरा में, जुरासिक टाइम पीरियड के दौरान, जो डायनासोर्स थे वो ज़्यादा पाए जाते थे। तो 40 की ऑप्शन आनी है, ऑप्शन डी, रिसेसिव म्यूटेशन आर नॉट लॉस्ट फ्रॉम द जीन पूल, दिस इज नोन एज, कि जीन पूल जो होते हैं, ठीक है, जिसमें जीन पूल, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं, तो कहते हैं जो जीन पूल थे उसमें से रिसेसिव म्यूटेशन जो है वो ख़त्म नहीं होती, लॉस नहीं होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, सर्वाइवल ऑफ डोमिनेंट, सर्वाइवल ऑफ रिसेसिव बोलते हैं, हार्डी वीनबर्ग लॉ बोलते हैं, कि डार्विन्स जीन म्यूटेशन लॉ बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं हार्डी वीनबर्ग लॉ, ठीक है, क्योंकि वो यही बताता है कि जो जीन पूल होते हैं
उसमें ज़्यादातर जो एलील या जीन्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें चेंज नहीं आता, तो रिसेसिव म्यूटेशन उसमें से लॉस्ट भी नहीं होती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स टू थ्री फॉसिल्स बर्ड अकर्ड ड्यूरिंग, जो आर्कियोप्टेरिक्स थे वो कौन से मतलब टाइम पीरियड में पाए जाते थे। आर्कियोप्टेरिक्स में जो बीक होती है बर्ड्स के जैसे, पर उसमें टूथ होते हैं जैसे रेप्टाइल्स के होते हैं, ठीक है, तो क्लॉज पाए जाते थे। तो कहते हैं ये आर्कियोप्टेरिक्स कब होते थे, पाए जाते थे, जुरासिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस या परमियन टाइम पीरियड में पाए जाते थे। तो वो पाए जाते थे जुरासिक टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन जो नीचे बताई है उसमें से जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन्स का मतलब मूव करना है ना, एक एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, तो लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ऑपरेट होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आनी है 43rd की। 44th क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस क्या शो करती हैं। अभी डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाने वाले एक तरह के ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, तो डार्विन ने देखा था कि इनमें एक ही एरिया में ये आइलैंड में पाए जाते हैं, पर फिर भी इनमें बहुत सारी मतलब जो है एडेप्शन के बेसिस पे या इनके सी खाने के बेस पे ये अलग अलग हैं। जैसे बीक का बड़ा फ़र्क था इनका, सभी थे फिंचेस पर उनमें बीक का बड़ा फ़र्क था, कईयों की बीक लंबी तो कईयों की छोटी थी, अकॉर्डिंग टू देयर फूड के वो क्या खाते हैं, इंसेक्टिवोरस है कि वो सीड खाती हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव सॉरी एडेप्टिव रेडिएशन है, पैरेलल एवोल्यूशन है, होमोलॉजी के बेस पे या नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे, डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन को शो करती हैं। ठीक है, डार्विन फिंचेस जो है एडेप्टिव रेडिएशन के टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो डार्विन ने बताया था कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन को समझना हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन 44th की ऑप्शन ए आ गई। 45th क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस आर एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है एक्सलेंट एग्जांपल, एडेप्टिव रेडिएशन की। एडेप्टिव रेडिएशन सीजनल माइग्रेशन, ब्रूड पैरासिटिज्म और कनेक्टिंग लिंक में से एडेप्टिव रेडिएशन की, तो 45th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। 46th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द स्टडी हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द एविडेंस फॉर द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, कि कौन सी जो स्टडी है वो डायरेक्टली हमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की एविडेंस नहीं देती है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, जियोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स। तो बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी और जियोलॉजी के थ्रू तो हम जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है इसका पता कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, क्वांटम फिजिक्स हमें क्लियरली नहीं बता पाती है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में, यहाँ से हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन, इन द हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन टू एलील, एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो कहते हैं इनकी जो एलील फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए की बता दी 0.2, तो कहते हैं परसेंटेज निकालनी है हेटीरो गैमस एलील की। ठीक है, तो देखो हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो पी प्लस क्यू इसको हम होल स्केयर में लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1, तो पी प्लस क्यू स्केयर क्या होता है हमेशा, इसको अगर हम खोल के देखें तो पी स्केयर प्लस 2PQ, ठीक है, और क्यू स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों तो एलील हैं हमारे पास। ठीक है, और ये जो 2PQ है ये हेटेरोजाइगस होता है, तो इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, जिसको हम पी को हम कैपिटल ए मान रहे हैं, क्यू को हम मान रहे हैं स्मॉल ए। ठीक है, तो अब हम कैपिटल ए स्मॉल ए को लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारे पास क्या है कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए है ये इक्वल टू 1 है। तो हमें वैल्यू किसकी बताई हुई है, कैपिटल ए की 0.2 बताई है, तो 0.2 प्लस ए इक्वल टू 1, तो ए निकालना है, तो 1 माइनस 0.2 कर दो आप, तो ये कितना है 0.8 आ गया हमारे पास। ठीक है, कितना है 0.8 आ गया ए जो है हमारे पास। तो अभी हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, मतलब पी क्यू दोनों आ गए, तो हम फिल कर देते हैं, किस में फिल करना है, हेटीरो गैमीट में, हेटीरोजाइगोस में सॉरी, तो 2PQ में फिल करते हैं। 2PQ यानी कि 2 इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, तो 2 ऐसे लिख दो, कैपिटल ए कितना है हमारे पास आया, कैपिटल ए हमें बताया हुआ था 0.2, ठीक है, और जो स्मॉल ए हमें कितना हमने निकाला 0.8, ठीक है, तो 0.16 ये बन गया,
और 2 ये वाला आ गया, तो 0.16 इंटू 2 0.32 आ गया। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है हमें इसकी, तो परसेंटेज निकालनी है तो हम इसका डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो कितना आ गया, 0.32 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 32% आ गया, ठीक है। 32% आ गया ना परसेंटेज, तो 0.32, 4, 16 और 32% में से 32% ऑप्शन डी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 47th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। 48th क्वेश्चन है, सेवल राइट अफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेवल राइट अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं कि जीन फ्लो बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है हमारे जो सीवल राइट अफेक्ट है उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द प्रिमिटिव अर्थ वॉर, जो प्रिमिटिव अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे वो कौन से थे, ऑटोट्रॉपिक और एनरोब से, हिटेरोट्रॉपिक एनरोब से, हिटेरोट्रॉपिक और एनरोब से, या एरोबिक और हिटेरो सॉरी ऑटोट्रॉपिक थे। ऑप्शन बी, हिटेरोट्रॉपिक और एनरोबिक पाए जाते थे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि फूड भी दूसरों से लेते थे और एनरोब भी थे वो, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहते थे। फिर है, एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सालमेंडर आर, कि जो सालमेंडर और आज के जो फ्रॉग हैं, मॉडर्न डे फ्रॉग हैं, इनके एंसेस्टर कौन हैं, किससे ये डिराइव हुए हैं, जॉलस फिश, सीलोकैंथ, आइस, इक्थियोफिस और एम्फियोक्सिस। तो जो ये मतलब फ्रॉग और सालमेंडर हैं, ठीक है, इनके एंसेस्टर हम बोलते हैं सीलोकैंथ को, ठीक है, सीलोकैंथ को कहा जाता है, जो फिशेज होती है पानी के अंदर ही, तो लोब्ड फिशेज बोलते हैं ना इनको, तो उनसे ये आगे एवोल्यूशन के दौरान बनी है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, सीलोकैंथ। नेक्स्ट है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी अफेक्टेड बाय द जीन फ्लो। हम कहते हैं कि जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है उसको अफेक्ट करने वाले कौन से हैं, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, और इसके अलावा एवोल्यूशन होगी, लिमिटिंग फैक्टर होंगे, सॉल्टेशन होगी यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन होगी। तो इसकी क्या ऑप्शन आ सकती है, नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट करती है, ठीक है। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम वैसे तो मेंटेन रहता है, जीन्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं एलील्स, पर जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अफेक्ट होती है ये, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है, ठीक है। तो 51 की ऑप्शन क्या आ जानी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 52nd क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट, डार्विन फिंचेस क्या रिप्रेजेंट करती है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, जियोलॉजिक जियोग्राफिकल आइसोलेशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन शो करती है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करती हैं। तो जो डार्विन फिंचेस हैं ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन शो करती हैं कि एक ही एरिया पे हैं, ठीक है, इस लैंड पे, पर इनमें वराइटीज अलग अलग होगी, ठीक है, अडैप्शन बेस पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन शो करती हैं ये। तो 52 की ऑप्शन बी आ गई। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज, कि मैन की नेचुरल हिस्ट्री की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कि मैन किस तरह से डेवलप हुए हैं, डिराइव हुए हैं, कहाँ से, है ना, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथोलॉजी, यूथेनिक्स और यूजेनिक्स। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन, इन द पॉपुलेशन एक्स प्रोपोर्शन ऑफ अ जीन एम इज 60%, जीन एम स्मॉल एम जो है वो है 40%। अभी हमें परसेंटेज में दे दिया, यहाँ पे पहले कैपिटल स्मॉल ले लिया, हमें कैपिटल ए कैपिटल एम बता दिया 60% एलील, और स्मॉल एम बता दिया 40%। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द हिटेरोजाइगस जीनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिर से हमें क्या देखना है, यहाँ पे हिटेरोजाइगस जीनोटाइप देखना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में है, ठीक है, पहले हम इसको चेंज करते हैं, 60% है कैपिटल एम, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 0.6, ठीक है, 40% का बन जाएगा 0.4, यानी कि कैपिटल एम कितना है ये, और स्मॉल एम है ये, तो हम हिटेरोजाइगोस निकालना है तो 2PQ यानी कि 2 कैपिटल एम और स्मॉल एम में फिल करेंगे, तो 2 0.6 इंटू 0.4 ले लो, तो कितना आया, 0.24 इंटू 2 कितना आया, 0.24 इंटू 2 कितना आया, 0.48। तो 0.48 है, परसेंटेज में दोबारा निकालना पड़ेगा, तो 0.48 का क्या आएगा, 48% आ जाएगा, ठीक है। तो 48, 36, 16 और 20 में से कितनी आई, ऑप्शन 54 की ऑप्शन ए आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फर्स्ट इवॉल्व ऑन द अर्थ एंड रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ वर, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे सबसे पहले इवॉल्व हुए थे अर्थ पे और उन्हीं से आगे लाइफ ओरिजिनेट हुआ, मतलब लाइफ के ओरिजिन के लिए बड़े ज़रूरी थे ये। कौन से थे? यूरिया और अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और अमीनो एसिड, या यूरिया और न्यूक्लिक एसिड। तो ये थे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आए, ठीक है। इनसे आगे जो थे वो आगे डिराइव हुई है लाइफ, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह थे साथ में, तो प्रोटीन बने, तो उन्हीं से लाइफ आगे जो है वो ओरिजिनेट हुई है। तो 55 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्टली पोजेस, कि जो अर्ली स्टेज में ह्यूमन एम्ब्रियो है अर्ली स्टेज में, उसमें क्या होते हैं डिस्टिंक्टली पोजेस, क्या होएगा उसमें? गिल्स, गिल्सलेट्स, एक्सटर्नल ईयर या आईब्रोज। तो जो ये हैं इनमें पाए जाते हैं गिल्सलेट्स, ठीक है, ऑप्शन बी आ जानी है गिल्सलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू अपियर ऑन अर्थ वर, कि अर्थ पे जो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए थे जो खुद फोटोसिंथेसिस करके जो अपना फूड प्रिपेयर करने लगे, ठीक है, वो कौन से थे? बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया के ब्रायोफाइट्स थे। तो ये थे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते थे क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट था, तो ये एनऑक्सीजेनिक थे, ऑक्सीजन इन्होंने इवॉल्व करनी शुरू की थी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज एंड जेनेरा इज, न्यू स्पीशीज और न्यू जेनेरा जो हैं वो जब ओरिजिनेट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? को एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन के मेगा एवोल्यूशन कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मैक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। मैक्रो एवोल्यूशन का मतलब जब जो एवोल्यूशन है वो एक बड़े स्केल पे होती है, मतलब जो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम पढ़ते हैं, टैक्सोन्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें जो लार्ज स्केल पे अगर चेंज आता है, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। उससे ही न्यू स्पीशीज और जेनेरा जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, तो ऑप्शन सी आएगी। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन, जीन पूल ऑफ ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू रिमेन स्टेबल इफ द पॉपुलेशन इज लार्ज विदाउट माइग्रेशन एंड विद, मतलब क्या है? कहते हैं जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन टेंड टू रिमेन स्टेबल, कि जो जीन पूल है, जीन्स जो हैं, एलील्स जो हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी स्टेबल रहेगी, एक जैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, अगर पॉपुलेशन बड़ी है, माइग्रेट नहीं हुई है, और साथ में और क्या होएगा? मॉडर्न इन्वायरमेंटल चेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी, या प्रीडेटर्स की रिडक्शन होगी, रैंडम मेटिंग होगी, पॉपुलेशन लार्ज होगी और माइग्रेशन ना हो, जीन फ्लो वगैरह ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, तब जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहती है। तो रैंडम मेटिंग ऑप्शन ए आ जाएगी इसके साथ। नेक्स्ट है 60th क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज, के जेनेटिक इक्विलिब्रियम की मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है? गॉस प्रिंसिपल, बर्गमैन लॉ, ग्लोगर लॉ और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसको हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें जो जीन्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, एलील जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी स्टेबल रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, तो वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 61st क्वेश्चन, चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एलील इन द पॉपुलेशन रिजल्ट इन द एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय, के जो एलील्स की फ्रिक्वेंसी है पॉपुलेशन में जब वो चेंज होती है तो ये होता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, है ना। तो किसने बताया था ये? ह्यूगो डी ब्राइस थ्योरी में, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में, डार्विन थ्योरी में, के लेमार्क थ्योरी में बताया था, तो ये बताया था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगी। फिर है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑफ ऑन अ प्रिमिटिव अर्थ इज, कि जो पहली अर्थ थी, प्रिमिटिव अर्थ, आज से पहले की जो अर्थ थी उसमें जो कंपाउंड मैन्युफैक्चर हुए हैं, बनी हैं, वो किस सीक्वेंस में बनी? पहले अमोनिया, फिर मीथेन, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बने, देन प्रोटीन पहले बना, फिर कार्बोहाइड्रेट बनी, वाटर बना, फिर न्यूक्लिक एसिड बना, या थर्ड ऑप्शन में है कि पहले अमीनो एसिड बने, फिर मीथेन बना, कार्बोहाइड्रेट, देन न्यूक्लिक एसिड बने थे, फोर्थ ऑप्शन में है कि पहले अमीनो एसिड बने, देन कार्बोहाइड्रेट बने, फिर प्रोटीन बने, फिर जाके न्यूक्लिक एसिड बने, की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। पहले जो अमोनिया, मीथेन, वाटर और हाइड्रोजन गैस थी, वाटर वेपर की फॉर्म में था और हाइड्रोजन गैस थी, तो इनसे मिलके पहले कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म में बने, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ राइबोज बने, तो राइबोज वगैरह से आगे अमीनो एसिड की हेल्प से आगे प्रोटीन बने, और प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड वगैरह भी फॉर्म हुए।
जिसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी. ऑप्शन है डेवोनियन पीरियड इज कंसीडर टू बी. जो डेवोनियन पीरियड है ठीक है, तो इसको क्या कंसीडर किया जाता है, क्या कहा जाता है, डेमोनियन पीरियड में क्या ज़्यादा थे जिसके बेस पे इसको माना जाता है. एज ऑफ फिशेस, ज़्यादातर फिशेस थी उस टाइम पे. एज ऑफ एम्फीबियन, के एम्फीबियन ज़्यादा थे उस टाइम पे. रेप्टाइल इवॉल्व हुए थे और ज़्यादा थे उस टाइम पे. या एज ऑफ मैमल कहा जाता है डेमोनियन पीरियड को. तो जो डेमोनियन पीरियड थे इसमें फिशेज जो थी वो इवॉल्व हुई थी और ज़्यादा थी उस टाइम पे. ठीक है, तो इसको एज ऑफ फिशेस कह देते हैं हम डेमोनियन पीरियड को. तो ऑप्शन ए ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन. करैक्टर दैट प्रूव्स दैट द फ्रॉग हैव इवॉल्व फ्रॉम फिशेस. कहते हैं वो क्या करैक्टर है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि फिशेस से ही फ्रॉग इवॉल्व हुए हैं एवोल्यूशन के दौरान आगे. तो क्या ऐसा है जो फिशेज में था और फ्रॉग्स में भी पाया जाता है. तो एबिलिटी टू स्विम इन वाटर, टेडपोल लार्वा फ्रॉग में, सिमिलैरिटी इन शेप ऑफ द हेड, हेड की शेप सेम है फिश और फ्रॉग में, या इनका जो फीडिंग प्लांट पे डिपेंड करना है, सॉरी फीडिंग के लिए एक्वेटिंग प्लांट पे डिपेंड करना है कि ये जो वाटर के अंदर प्लांट हैं उन पे फीड करते हैं ये, उसके बेस पे कहा जाता है. तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन बी कि जो फ्रॉग हैं उनका जो लार्वा होता है ना टेडपोल, तो जो टेडपोल है वो भी सेम स्विम करते हैं और फिशेज जैसे होते हैं. ठीक है, 65 क्वेश्चन. हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ जीरो एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जिसमें एवोल्यूशन नहीं होती है वो किस बेस पे होता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बेस पे, रैंडम मेटिंग के बेस पे, नो माइग्रेशन बेस पे, या ऑल ऑफ अबव आएगा. तो अगर एवोल्यूशन नहीं आई है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी होगा, रैंडम मेटिंग हो रही है तभी नहीं एवोल्यूशन हुई, माइग्रेशन भी नहीं हुआ तभी एवोल्यूशन नहीं हुई. तो सारी ऑप्शन आ रही हैं इसलिए ऑल ऑफ दीज ले रहे हैं. तो ऑप्शन आ जाएगी 54th की ऑप्शन डी. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं किए हैं एवोल्यूशन के. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना. बाकी इसके जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हो. बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.